मेरे ताया पुले नारे पाकिस्तान मजदूरों ने बनाया और मिस्त्रियों ने बनाया। मैं भाई दिहाड़ी से लगा रहा नाल। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, गधे को चाहे खूंटे से बांधा जाए या उसे खुला छोड़ दिया जाए, वह दोनों ही हालत में गधे का गधा ही रहेगा। उसके लिए ना आजादी के मायने हैं और ना गुलामी से कोई सरोकार है। वह तो गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद की ताकत का कमाल है, जो इंसानों के साथ कुछ गधे भी आजाद हो गए। बाद में यही सारी गंदगी फायदे आजम जिन्ना अपने साथ ले उड़ा, यानी अंग्रेजों से आजादी किसी ने दिलाई, फायदा पूर्व हिंदू जिन्ना ने उठा लिया। बाद में यही पूर्व हिंदू इन गधों का अलकारा बन गया। गधों वाले चौपट मुल्क ने कल 14 अगस्त को अपनी आजादी का यौम आजादी पर्व मनाया है, पर जिस तरह इन्होंने यह पर्व मनाया उससे लगता नहीं है कि ये आजादी दिवस मना रहे थे या जिन्ना के कुकर्म परमातम मना रहे थे। यानी इन्हें हमाम में बिठाए या मदरसे के बाहर खड़ा करे, ये रहेंगे नंगे के नंगे ही। ऐसे में ये अपनी मदरसा बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले कल शाम की इस तस्वीर को देख सकते हैं, जिसमें दो टोपीबाज यौम आजादी के जश्न में तहमंद बाजों के तहमंद काले कर रहे हैं। बहुत से के तो चेहरे और टोपी भी काली हुई है। यह अद्भुत नजारा लाहौर की एक सड़क का है, जहां दो टोपीबाजों ने यौम आजादी की खुशी में टोपी उछाल रही मदरसा कौम के बीच पहुंचकर अपनी बाइक के साइलेंसर से एक अलग तरह का धुआं निकाला। बाद में सैकड़ों की भीड़ को खदेड़ने के लिए दो पुलिस वाले पहुंचे और इन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे भी इन गधों को जो आजादी मिली वह इन्हें मुफ्त में मिली है। इनके पूर्वजों ने तो अंग्रेजों की गुलामी करके और स्वतंत्रता सेनानियों से दगाबाजी करके नवाब और राय के तमगे हासिल किए थे, इसलिए इन्हें आजादी का मतलब आज भी पता नहीं है। यूबीआई चीन के इतने गुलाम बन चुके हैं जहां आजादी अपने मायने खो चुकी है। अगर इन्हें आजादी का मतलब पता करना है तो हांगकांग और शिजियांग के उइगर मुसलमानों से पता करना चाहिए, बलूचिस्तान के बलूचो, सिंधियों तथा पीओके के लोगों से मालूम करना चाहिए कि आजादी किसे कहते हैं। जहां एक तरफ चीन ने सितम ढाया हुआ है तो दूसरी तरफ पाक फौज कथित पाक नागरिकों की आजादी का गला घोट रही है। आजादी का बचा खुचा मतलब चेचनिया और लीबिया के कुर्दिश भी बता देंगे, जो अपनी आजादी के लिए लगातार बलिदान पर बलिदान कर रहे हैं। पर तशरीफ उठाओ या फंटर मदरसा छाप पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के नक्शे में भी बदनुमा दाग है, जो उस नक्शे में अपने होने के सबूत के तौर पर लगातार ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अब जरा यह अगली तस्वीर भी देख लीजिए, जहां एक विशेष प्रकार का कानफोड़ू बाजा बजाकर यौम आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी टोपीबाजों द्वारा यह बाजा इसलिए नहीं बजाया गया कि इन्हें सुभाष चंद्र बोस के एहसान याद है, बल्कि आजादी के नाम पर राह चलते लोगों के कान में इसे बजाकर उन्हें बुरी तरह से हैरेसमेंट किया जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब लाहौर की सड़क से गुजरती कार में बैठी एक फैमिली को इन्होंने बाजा बजाकर हैरेसमेंट किया। यानी ये पाक की मदरसा पैदाइश जितनी गिरी हुई है वहां से उठाकर एकमात्र चीन इन्हें सीधा कर सकता है, जो कि अपना कर्ज लाद कर इन्हें लगातार सीधा भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तान के इन गधों को जो आजादी दिलाई थी यह उसका औचित्य खो चुके हैं और फिर से कभी मुक्त न होने वाली गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरें बोलती है, इसमें भिन्न राय नहीं हो सकती है। तस्वीरें बहुत है जो इन गधों की सच्चाई बयान करती है। अब जो तस्वीर आपके सामने आने वाली है उससे पता लग जाएगा कि जिस पाकिस्तान में शराब को आराम समझा जाता है उसी शराब का सबसे ज्यादा सेवन यौम आजादी पर होता है। कल भी यही देखने को मिला जब सैकड़ों आजादी के नशे में कम शराब के नशे में ज्यादा चूर नजर आए। इन शराबी मुल्लाओं ने यौम आजादी के नाम पर लाहौर में जमकर उत्पात मचाया है, जिससे सड़क से गुजरती जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पर यह लोग इसलिए खामोश रहे क्योंकि आजादी की तारीख थी और इन मुल्लाओं को शराब पीकर हुड़दंग करके अपने आजाद होने को साबित करना था। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। भारत में स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे चित्र देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्रता के महत्व को समझता है। पाकिस्तान पहले आजाद जरूर हुआ पर आज चीन के नागरिकों और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डंडों के नीचे आ चुका है।
अब जरा इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, जिसमें लाहौर के इकबाल पार्क में 1968 में बने मीनारे पाकिस्तान के संबंध में इन फंटर लोगों से यही सवाल पूछे कि इस मीनारे पाकिस्तान को किसने कब और क्यों बनवाया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसे 1960 में तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने बनाने की घोषणा की थी। 203 फुट लंबी इस मीनार को पाकिस्तान की आजादी के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय स्मारक भी कहा जाता है। पर इन तसरीफ बिड़ाऊ लोगों को इसकी कितनी जानकारी है यह खुद ही देख लीजिए। 14 अगस्त 1947 भैया आपको पता है कब बना था, किससे बनवाया था? कब बनाया गया था? 14 अगस्त 1947। अच्छा, किसने बनाया था? काजी आजम ने। काजी आजम ने बनाया था, इमरान खान ने? नहीं, काजी आजम ने। ये याद है सन 2010 में बना, 11 में, 10 11 में। चौदह अगस्त 1947 को मीनारे पाकिस्तान तमीर हुआ था, कहते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये तो आइडिया नहीं, ये पाकिस्तान की वैसे लाहौर की पहचान है मीनारे पाकिस्तान। ये पता आपको किसने बनाया मीनारे पाकिस्तान? ये नवाज शरीफ ने बनाया, कायद आज़म मोहम्मद अली ने बनाया जी। कायद आज़म, कायद आज़म मोहम्मद अली, ये अवान ने बनाया यार। अच्छा, गड़बड़ मत करिए। कब बना था? 1947 में जी। तो कहां मीनारे पाकिस्तान किसने बनवाया था? ये मीनारे पाकिस्तान कायद आज़म ने बनवाया था। 1947 में बना हुआ है। ओके ओके, कायद आज़म ने बनवाया। और कब बनवाया था? इसकी तारीख 23 मार्च हो। 1947 ये मीनारे पाकिस्तान किसने कब बनवाया था? मिस्त्री ने बनाया। मैं भाई दिहाड़ी तो लगा रहे नाल मेरे पता होना। मिस्त्रियों ने बनाया था 1947 में। अच्छा, और आप बताएं। ये 23 मार्च वाले दिन किसने बनवाया था? ये बनाया था कायदे आज़म ने। आपके ख्याल से किसने बनाया? कायदे आज़म ने। आपके कहते हैं कायदे आज़म? मेरे ताया बोले। माशाल्लाह, ग्रीन रंग पहना हुआ है, मीनारे पाकिस्तान के बहुत करीब खड़े हैं। ठीक है, ये मुझे बता रहे, ये बिल्डिंग किसने बनाई थी, बनवाई किसने थी? मतलब नहीं पता। अच्छा, किस कब बनी थी, किस सन में बनी थी? 1947 में बनी थी। मीनारे पाकिस्तान कब बनाया था, किससे बनाया था? ये तो कायदे आज़म ने बनाया था। अच्छा, उन्होंने बनाया था, तो कब बनाया था? ये इतना इलम नहीं है, इतना इलम नहीं है। चलिए, शुक्रिया। कराची से। कराची से आप किधर आए? ठीक है, ये मुझे बता दें, कराची से आए और बिल्कुल मीनारे पाकिस्तान के सामने खड़े हैं, आपके पीछे मीनारे पाकिस्तान है। ये पता आपको ये किसने बनवाया था? नहीं पता। ये पता है कि यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ, ये आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता किसने बनवाया था। आपको ये पता है कि ये कब बना था? आई थिंक 1947 में। ये जो मीनार पाकिस्तान है जहाँ पर आप आए, मुल्तान से यहाँ पर आए, ठीक है, तो आपको पता है ये किसने बनाया? ऊंचा बोलो। नहीं पता। आपको ये पता है कब बना था ये? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को आप ये कह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।